दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन जारी है जो 15 दिन और बढ़ा दिया 21 दिन तक का है और इसके तहत ही हम लोग सड़कों पे खड़े हैं और जो लोग बिना फालतू बिना कार्य के घूम रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनकी गाड़ियां हैं वो डिटेन की जा रही है और एमवी के चालान बनाए जा रहे हैं और समझाने का टाइम ख़त्म हो गया है। मैं लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ आपके बहुत ज़रूरी काम है तो ही निकले और अगर सामान खरीदने करने जा रहे हैं सब किराने की दुकान आस पड़ोस में खुली है आप वहाँ से खरीदें, टू व्हीलर का उपयोग ना लें वरना ये अभी तो हम जो डिटेन कर रहे हैं ये फिर आपकी लॉकबंदी रहने तक हम छोड़ेंगे नहीं और ज़्यादा उनको परेशानी हो जाएगी। सबसे निवेदन है अपने आसपास पैदल जाकर के कार्य कंप्लीट कीजिए और अति आवश्यक कार्य है तो ही आप बाहर निकलिए, कोई हॉस्पिटल का है कुछ है, बाकी जान से ज़्यादा अति आवश्यक कोई कार्य नहीं है। कितने मैडम आंकड़े चालान कितने कट गए आज और कल में? कल लगभग हमारे चालानों की संख्या थी वो 300 की थी और आज अभी तक हमने लगभग 50-60 चालान बना लिए और चालान की कार्रवाई निरंतर जारी है। मैडम पब्लिक रोडों पर घूम रही है, कोई कह रहा है अस्पताल जा रहे हैं, कोई कह रहा है दवाई लेने, कोई सब्जी लेने जा रहे हैं, क्या इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ कि बहाने नहीं बनाएं, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर के कोई भी बहाना कोई भी काम है वो बढ़कर नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब आप जो आइसोलेशन है और जो लॉकडाउन है इसको फॉलो करेंगे, इसकी पालना करेंगे। आप सब्जी वगैरह ऐसा कोई जगह नहीं है अजमेर में जहाँ पर दुकानें नहीं है, हर जगह घर से निकलते ही हर चौराहे पर हर बिल्डिंग में राशन की दुकान भी है सब्जी की भी दुकान है। जो ये बहाना गलत है, इस बहाने के तहत जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका हम बिल्कुल चालान कर रहे हैं क्योंकि वो लोग एक नज़र घूमने के चक्कर से आ रहे हैं और जो इस लॉकडाउन है और जो कोरोना वायरस है इसका मजाक बना रहे हैं जो उसके लिए ज़िंदगी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ अपने घरों में रहिए और इस व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करिए। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।